दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एकदम अलग तरह से गोवा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। तो चलें आज हम लोग एंजॉय करते हैं गोवा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। गोवा स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए देखिए क्या क्या चाहिए हमको। ये हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हमने चौकोर में काट लिया है। ये 250 ग्राम ही टमाटर की प्यूरी लिया है हमने। ये आधा कप हमने मटर लिया है और ये मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। ये लाल मिर्च है, चार हमने खड़ी लिए हैं, और ये लहसुन की कलियां हैं चार पांच, और ये दो तीन लौंग है, और ये दालचीनी है, और ये हमने थोड़े से वो काली मिर्च पाउडर लिया है। ये गरम मसाला 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच हमने खसखस लिया है, और ये 2 चम्मच हमने खड़ी धनिया लिया है, और नमक लिया है, इसको हमें स्वाद के अनुसार डालना है, और ये हमने 1 चम्मच शक्कर लिया है, और ये 2 चम्मच हमने देसी घी लिया है, और ये 2 चम्मच हमने मलाई लिया है। इस जगह आप क्रीम भी डाल सकती हैं, और ये 2 बड़े चम्मच हमने कच्चा नारियल घिस के ले लिया है, और 1 प्याज है। तो चलिए आज हम गोवा स्टाइल पनीर की सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस जलाएंगे और इस पे ये पैन रखेंगे, और ये घी जो है इसका आधा घी हम इसमें डालेंगे और आधा हम बचा के रखेंगे। ये देखिए घी हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे। ये हमने लौंग डाल दिया, और ये दालचीनी भी डाल देंगे, और ये मिर्चे डाल देंगे, और ये धनिया भी डाल देंगे हम, और इसी में हम ये लहसुन भी डाल देंगे। सबको हमें अच्छे से पकाना है, और इसी में ये जो हमने खसखस लिया है इसको भी इसी में डाल देंगे। और ये प्याज भी डाल देंगे हम इसी में। गैस हमारी मीडियम पे रहेगी। अब इसी में ये अपना हम कच्चे नारियल भी डाल देंगे, इसको भी इसी में पकाएंगे। हमको इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा 2 मिनट पकाना है। ये हमारे सारे मसाले पक गए हैं, इसको हम अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। ये मसाला हमारा ठंडा हो गया, अब इसको हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसी में डाल के पीस लेंगे। ये हमने सारे मसाले मिक्सी के जार में डाल लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। मेरा मसाला पीस गया अच्छे से, अब इसको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। देखिए मसाला पीस के हमने निकाल लिया। अब चलिए हम अपनी सब्जी बनाते हैं। घी हमने बचा के रखा था, इसको हम इसमें डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें पहले हम ये जो हमने भी मसाला बनाया है इसको हम इसमें डालेंगे। और गैस हमारी एकदम मीडियम पे रहेगी, बहुत तेज नहीं रहेगी। अब इसी में हम अपना ये टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे। करीब 10 मिनट लगेगा इसको पकाने में, जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देगा। अब इसी में हम ये शक्कर डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ज्यादा कम होगा तो बाद में डाला जा सकता है। और
दोनों डाल के इसको हम भूनेंगे। ये देखिए मेरा मसाला जो है अच्छे से भुन गया, ये घी छोड़ने लगा है। इसको करीब हमने मीडियम आंच पे 10 मिनट तक चलाते हुए पकाया है। अब इसमें हम ये जो अपना पनीर रखा है इसको डाल देंगे और मिला देंगे इसमें। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। अब इसी में ये मटर भी मिला देंगे हम, और ये काली मिर्च पाउडर, और ये गरम मसाला, और ये मलाई, सब हम इसमें मिला देंगे एक साथ। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये गोवा स्टाइल मटर पनीर। अब इसको हम इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमको, थोड़ा सा ही डालना है। इसको डाल के मिला देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमने मिला दिए, अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए गोवा स्टाइल मटर पनीर बनके तैयार हो गई। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। अब हम एक बाउल लेंगे, इस तरह से एक बाउल लेंगे और इसमें हम सब्जी को निकाल लेंगे। ये देखिए गोवा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया लगा दे रहे हैं। ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छी होती है, इसको आप जरूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमान के लिए। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।